भोजपुरी जगत में आइटम सॉन्ग के मामले में अगर सीमा सिंह को प्रेजेंट टाइम में कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो कोई और नहीं चांदनी सिंह है। जी हाँ, चांदनी सिंह की पॉपुलैरिटी दिनों दिन बढ़ रही है और उसका कारण ये है कि उन्हें मिल रहे हैं अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट। वैसे चांदनी सिंह ने अपने करियर की शुरुआत खेसारी लाल यादव के एल्बम से की थी, लेकिन भाई ये क्या, चांदनी सिंह तो एहसान फरामोश निकली। वो तो अपना आइडल किसी और को नहीं पवन सिंह को बता रही हैं। चांदनी सिंह का आइटम सॉन्ग क्रैक फाइटर में काफी पसंद किया जा रहा है और उनका एकाध छोटा मोटा सीन भी है क्रैक फाइटर में। आपको बता दें कि पवन सिंह की दो फिल्मों में बकायदा उन्हें आइटम सॉन्ग करने का मौका भी मिल रहा है। एक है फिल्म शपथ और दूसरी अनटाइटल फिल्म है। आगे आपको बता दें कि चांदनी सिंह की जोड़ी अरविंद अकेला कल्लू के साथ भी पसंद की जाती है और उनके साथ मैं नागिन तू सपेरा में वो एज ए लीड एक्ट्रेस आ रही हैं। चलिए ये तो यहाँ वहाँ की बातें हो गई, लेकिन अब आपको बता दें कि चांदनी सिंह को खेसारी से दुश्मनी और पवन से प्यार क्यों आ रहा है। आपको बता दें कि पवन सिंह को प्यार करने वालों की कमी नहीं है। पवन सिंह से जिसने भी प्यार किया उसने भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया है। तो भाई चांदनी सिंह अगर पवन सिंह से प्यार कर रही है तो वो जानती है कि बदले में पवन सिंह उन्हें जरूर कुछ न कुछ अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट देंगे। ये प्यार वो वाला प्यार नहीं है। आपको बता दें फिलहाल पवन ज्योति सिंह के साथ अपनी मैरिड लाइफ में काफी खुश हैं, लेकिन चांदनी सिंह का प्यार ये पवन सिंह को पसंद करने वाला प्यार है। यहाँ आपको ये बता दे कि पवन सिंह को वो अपना आइडल कहती हैं, पवन सिंह को वो अपना गुरु कहती हैं और यहाँ तक कि पवन सिंह के साथ वो लीड हीरोइन आने की भी कामना करती हैं, जैसे कि लुलिया यानी कि निधि झा को मौका मिला है। जी हाँ, निधि झा बड़े ही कम समय में जिस तरह से भोजपुरी की ऊंचाइयों को छू रही हैं पवन सिंह के साथ, ऐसे देख के लग रहा है कि आने वाले टाइम की वो आम्रपाली दुबे और अक्षरा सिंह बन सकती हैं। खैर अब हम बात फिर से चांदनी सिंह की करते हैं। चांदनी सिंह भोजपुरी इंडस्ट्री का अब एक जाना माना नाम है। भले ही छोटी स्टार है तो क्या हुआ, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में उन्हें सब जानते हैं। छोटे मोटे काम और लेकिन अब धीरे धीरे ही सही अब उनकी बड़े कामों पर नजर है। पवन सिंह के साथ जुड़ने का उनका सबसे बड़ा कारण ये है कि अब पवन सिंह के साथ वो अगर अपना नाम जोड़ती हैं या उनके साथ ज्यादा से ज्यादा फिल्में करती हैं तो वो अपने आप लाइमलाइट में रहेंगी। वैसे भी खेसारी लाल यादव के साथ उनकी ट्यूनिंग इसलिए नहीं बैठ सकती कि खेसारी लाल यादव के एल्बम्स से लेके फिल्मों में काजल राघवानी का कब्जा रहता है। अब पवन सिंह के साथ न अक्षरा सिंह है तो यहाँ मैदान साफ है। वैसे आपको यहाँ बता दें कि चांदनी खुद मिडिल क्लास फैमिली से आती हैं, वो खुद बहुत टैलेंटेड हैं। आज वो जो कुछ भी हैं वो अपनी मेहनत के दम पर हैं, न किसी के शैडो के दम पे। तो आगे अगर वो थोड़ा बहुत पवन सिंह का साथ लेकर आगे बढ़ती हैं तो इसमें गलती क्या है। वैसे भोजपुरी इंडस्ट्री में इसे गलत माना भी नहीं जाना चाहिए। आज भोजपुरी की जितनी भी बड़ी हीरोइनें हैं उनके पास किसी न किसी का सपोर्ट रहा है, तभी वो इतनी बड़ी एक्ट्रेस बन पाई हैं। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें जल्दी से सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।